अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हम सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए और इसको ब्लॉग शूट करने के लिए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये एंट्रेंस है और हम अपनी ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे और आपको इनके बारे में दिखाएंगे। कुतुब मीनार को पूरा कवर करेंगे और दिखाएंगे आपको कहाँ पर क्या है, क्या नहीं है। और जैसे जैसे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये कब्र है। किनकी कब्र है इनके बारे में देखते हैं थोड़ा, कुछ लिखा हुआ है तो। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड है जो कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अलाई मीनार और इल्तुतमिश का मकबरा। यानी कि इधर जाएंगे तो इल्तुतमिश का मकबरा होगा और अलाई मीनार होगा। सकते हैं, चलिए अंदर चलते हैं और कवर करते हैं। इधर से शुरू करते हैं। यह अधूरी अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। इसके निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी में की थी। इसका इरादा इसे योजना एवं ऊंचाई में कुतुब मीनार से दुगने विशाल और आकार बनाने का था, किंतु जब निर्माण कार्य प्रगति पर था उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह इसकी पहली मंजिल भी पूरा ना कर सका और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जो है, यह आप देख सकते हैं, सॉरी, ये कुतुब मीनार है, इससे दुगनी हाइट पे इसको बनाने की कोशिश की थी। बट क्या हुआ कि 1296 में उसने बनाने की शुरुआत की और 1316 तक इसका काम चला, लेकिन किसी कारणवश उसकी मौत हो गई। तो उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे उन्होंने इसको दोबारा बनाने की कोशिश तक ही नहीं करी। तो ये देख सकते हैं, ये ऐसी आधी अधूरी पड़ी हुई है जिसको हम अलाई मीनार से जान सकते हैं। आपको इसके चारों तरफ घूम के दिखाऊंगा कैसा है ये। देख सकते हैं कैसे पत्थरों को स्टक किया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलाई मीनार के पास खड़े हैं, इस अंदरमी मीनार का नामांकन अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी के नाम पर किया गया, जिसने कुतुबुल इस्लाम जो इसकी मस्जिद है जो पीछे की तरफ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, के आकार के दोगुना करवाया तथा इस मस्जिद के अनुपातिक कुतुब मीनार से दोगुनी ऊँचाई मीनार का निर्माण करना चाहता था। लेकिन उसकी मृत्यु पूर्व निर्माण का कार्य लगभग 24 मीटर ऊंचाई तक ही हो सका और फिर ये कभी भी पूरा नहीं हुआ। मतलब कि जो उसकी ख्वाहिश थी अलाउद्दीन खिलजी की कि मैं कुतुब मीनार से ऊंचा इस मीनार को बनाऊं, तो वो आधा उधर रह गया। लगभग 24.5 मीटर की हाइट तक ही जा सका। और अमीर खुसरो ने जो किताब लिखी है तारीख़ अलाई में, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने वाले एवं नए मीनार का निर्माण का वर्णन किया है। यानी कि अमीर खुसरो की जो किताब है तारीख अलाई, उसमें इस बात का जिक्र किया हुआ है कि इसको जो है कुतुब मीनार से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बनाने की कोशिश की गई और ये जो है करीबन 24.5 मीटर ही हाइट पर रह गया। इससे ज़्यादा ये ना उठ सका क्योंकि उसकी मौत हो गई ना, उसके बाद ना उसके बच्चों ने ना किसी ने इसको कभी पूरा बनाने की कोशिश की गई। अब जो है हम कुछ अलाई मीनार के तीसरे हिस्से की तरफ आ चुके हैं। लेवल वो कुछ ऐसा ही है और हम आगे चलते हैं, आगे की और चीज़ों को कवर करते हैं। आप देख सकते हैं और ये अभी हम किसी चीज़ के पीछे की तरफ आ रहे हैं, शायद ये मस्जिद है यहाँ की। अब हम आगे चल के देखते हैं इस चीज़ को। ये आप देख सकते हैं, पहले इधर चल लेते हैं, इधर देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, फिर उधर चलेंगे पीछे की तरफ। सुनिए बड़े बड़े पत्थरों को,
ऐसे करके स्ट्रगल करके रखा हुआ है बस, जो हम तीसरी तरफ से आए हैं। और वो देख सकते हैं आप, वो चौथा हिस्सा है, मेरी उंगली के इस तरफ देखें तो चौथा हिस्सा है। वहाँ पे भी कुछ खास देखने को नहीं मिले, इसलिए उधर नहीं जा रहे। और बस यही है यहाँ का, बाकी आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं।